तो आपके लिए मैं जैसा कि बता दूं, जो लड़कों की हत्या धारदार हथियार से की गई थी, उसमें आपके लिए बता दें उनकी दादी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे वार्तालाप करते हैं किस हिसाब से वो लड़के जो थे घर के अंदर घुसे थे और क्या पूरा मामला रहा था। आइए उनकी दादी से बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास में उनकी दादी जी बैठी हुई हैं, तो हम इनसे जानते हैं किस तरीके से वो गए थे या जीने के सहारे से गए थे क्या, और किस हिसाब से वारदात हुई थी। दादी बताएंगी? दादी पता कुछ तो बता दीजिएगा, क्या जीने के सहारे गए थे? जीना जीना से जीने से गए थे। तो पहले से भी वो घर में आते जाते थे, नहीं, उसी दिन गए थे, या कोई आपसी रंजिश वगैरह? आपसे आपसी रंजिश भी नहीं थी? कल जो बोला जी बहू से हमारी से, हमारी जी बात अस्पताल में भर्ती है, जी डिलीवरी होने को है। अच्छा डॉक्टर ने बोला है 2-3 घंटे के लिए। अब हमारे कम कहाँ जाए, इससे हम तुम्हारे घर पे बैठे जा रहे हैं। जी जी और 1,000 रुपये तो मेरे पास है, 5,000 तुम्हारे पास है, तुम दे दो। जी जी इन्हें लड़का को फोन किया, लड़का था मेरे मोम जी ने, उसने कहा दे दो, यही तो रहते हैं, काम करते हैं, दे देंगे, किसी का वक्त रहता नहीं है, समय 5,000 रुपये दे दिए। जी फिर बोली बहू अच्छा परेशान हो तो भैया मैं चाय ला रही हूँ, परेशानी तो सभी पे आती है, जी जी हमारे भी बच्चे ऐसे ही हैं। बोला मेरे 5 बच्चे खत्म हो गए, छठा जे है, जे अच्छी बात हो जाता भी उन्होंने पैसे दे दिए। अच्छा चाय बना रही थी, आए उस बड़े वाले को ले गया ऊपर, तब तक काट दिया, और शराब की पौआ ले गया, गिलास छोटे वाले से पानी मंगाया, कांच के गिलास में पानी ले गया छोटा वाला, तभी छोटे को काट दिया, अच्छा और बीच वाला गया अरे भैया अरे जा भैया क्या कर रहे हो, तभी उसने उसका मुंह पकड़ लिया ऐसे करके मारने को, अच्छा उसने धक्का मारा ऐसे करके, अच्छा उसके धक्का से गिलास टूट के उसे कांच पैर में लगा, और बिलट पे वो फिसल गया, जहाँ बिलट भरा था खून वहां वो फिसल गया, तभी जो लड़का छूट आया। अच्छा तो माता जी, मैं इसमें जानना चाहता हूँ, जो लड़कों की माता जी थी उनके लिए भी पुलिस प्रशासन ने मारा है क्या? हाँ मारा, एक मेरे अच्छा वाले ने मारा, हल्का जी, लगा, एक मेरे डंडा लगा, मैं हल्का लगा, उसके देखो निशान है पैर, मैंने सुना है उनके पैर में भी लगा है। देखो देखो यार, अच्छा देख लो यार, तो हमारी बहू जाए के 2-3 डंडा गए, और हमारी एक दूसरी बहू जाए के मारे पर लगे बैठी, और तीन के लगे हमारे पांच लोग नीचे गिर गए, हम जा उस बार खाएं चले लगे वाले के लगे भैया बाप को ना हम दो तो तो आप साफ देख सकते हैं हमारे पास में विश्व हिंदू परिषद की लेडीज है, कुछ मौजूद है दुर्गा वाहिनी की, आई माता शक्ति दुर्गा वाहिनी, तो हम उनसे भी जानते हैं क्या कुछ रहा है और उनका क्या कहना है। जी बताइए। मेरा कहना है कि मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू परिषद, मेरा ये कहना है कि आपने सहयोग किया जी। रात में आपने जो सहयोग किया, क्या ये क्या किया कि जिसके दो दो बच्चे गए हैं, आप ये देखिए जिसके दो दो बच्चे उस पर डंडे बसाए हैं, ये कौन सा कायदा किया, ये बिल्कुल अत्याचार है, हम पुलिस के खिलाफ जाएंगे इस मामले में। अभी हम लोग ज्ञापन देके आए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि स्थिति ये है। हम लोग यहाँ देखने आए, मिलने आए, हम लोग पहले ज्ञापन देने गए थे एसएसपी ऑफिस, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए बच्चे को देखने, पता लगा बच्चा घर पे है, हम लोग सीधे यहाँ पे आए, लेकिन ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया पुलिस का रवैया। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्या रेगुलर यहाँ पर आते थे जिन लड़कों ने वारदात किया है? पहली बार आया था, तो इनका क्या कुछ रहा था उद्देश्य? नहीं, वो आया खाली पैसे लेने आया था। पैसे किस पे, किस चीज के लिए, किसी कार्य के लिए तो आया होगा? बोला हमारी बाइक सिटी हो उसमें महिला अस्पताल में है, एडमिट है। अच्छा तो उसके डिलीवरी होने को है, इसलिए पैसे चाहिए 5,000 रुपये। डिलीवरी होने के लिए है, तो इसलिए 5,000 की आवश्यकता है उनके लिए। तो मैंने इनसे पूछ के बच्चों के पापा से, तो मैंने दे दिए जी। अच्छा उन्होंने कहा तो मैंने दे दिए। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, तो वो छत पर कैसे गए थे? छत पर ऐसे गए थे, हम तो चाय बना रहे थे, बच्चों ने आज खाना कल जल्दी खा लिया जी, तो हमारी दुकान है, दुकान में बैठते हैं, कल वो आ गया तो बोला मुझे 11 बजे का टाइम है, और ऐसा है मेरा टाइम नहीं कट रहा है, पता नहीं क्या है, हमने कोई बात नहीं तो दुकान में बैठ जाओ, 9 बजे बढ़ाते हैं तो तभी चले जाना जी। बोला ठीक है, तो फिर वहाँ पे जाके हमने चाय, वहाँ से निकल के आया उधर ग्रिल के पास से,
बोला पार्लर देख लिया आपका, पार्लर चले गए। आयुष बोले मम्मी तुम चाय बनाओ, मैं जा रहा हूँ पार्लर दिखा दूंगा। हाँ, तो आपके बच्चे बोले मैं जा रहा हूँ इनके साथ में भैया के पार्लर दिखा दूंगा। जी बड़ा था, इतना बड़ा था, जी जी 10-12-13 साल का, 13 साल का। अच्छा, शरीर में खूब वो सही था। अच्छा, तो बोला तो हमने ठीक है, तो हम तब भी हम गए, तब तक हमने इसे बुला लिया, नीचे आ गया। तो मैंने तब तक चाय लेके जा रहे थे, तो बोला कि अरे नीचे नहीं हम ऊपर ही जा रहे। उसने भी चाय ले ली और बच्चों ने भी ले ली, वो भी चला गया और वो भी चला गया ऊपर। पीते पीते जो ऊपर बच उसको ले गए, लेके गया वहां, इसने बंद करके उसे गेट बंद करके, गेट बंद करके, अगर गेट बंद नहीं होता तो आवाज जरूर आती। अच्छा, तो आपके तीनों लड़के ऊपर ही थे, उसमें से एक बच्चा, एक बच्चा है छोटा, वो भी गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से घायल है, हाँ, उसके हाथ कटा है। अच्छा, वो भी बहुत डरा हुआ है, उसके मुंह से कुछ नहीं सुन पा रहा। अच्छा, वो भी कुछ नहीं बता पा रहा, बता पा रहा है। जी, रहा छोटे मारा, उसको भी मारा, अब दो बच्चे मारे, ठोर मार दिए, बच के निकल आया, एक बच के निकल आया, उसी ने सबको बचाया, उसी ने सबको बचाया। बोला मम्मी देखो चलो कुछ काट रहा। तो आप देख सकते हैं इसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो मैं ये अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनकी जो परिस्थिति में ये आज है, प्रशासन द्वारा या किसी अन्य द्वारा इनके साथ में इंसाफ होना चाहिए, ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।